हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वोकैबुलरी सेशन में हम लोग कुछ वर्ड्स को सीखेंगे जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उनके यूज़ को भी सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला जो वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, तो पहला वर्ड आपका स्पेशली और स्पेशली, इन दोनों में सिर्फ एक अक्षर का डिफरेंस है, अंतर है। क्या इसमें ई लगा हुआ है, इसमें ई नहीं लगा हुआ है। बट इस स्पेशली का मतलब होता है खास करके, पार्टिकुलरली बात की जाए तो इसके लिए स्पेशली का यूज़ करते हैं। बट इस स्पेशली के लिए यूज़ तब किया जाता है जब कोई भी पर्पज़ को बताना हो, उद्देश्य को बताना हो। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है फार्दर और फर्दर। ठीक है, तो फार्दर जो होता है आपको डिस्टेंस को बताता है या दूरी को बताता है, जबकि फर्दर जो होता है ये आपको डिग्री और साथ साथ नेक्स्ट का सेंस देता है। जैसे मैं बोलूँ व्हाट्स योर फर्दर क्वेश्चंस, तुम्हारा अगला क्वेश्चंस क्या है, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। लेकिन फार्दर यानी दूर, डिस्टेंस को बताने के लिए हम लोग फार्दर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों का अगला जो वर्ड है यहाँ पर वो है ओल्डर और इल्डर। तो मैं बता दूँ कि दोनों जो वर्ड है ना, ये दोनों के दोनों वर्ड जो हैं कंपेरेटिव डिग्री में हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि इस ओल्डर का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब अलग अलग परिवार के बहुत सारे लोगों में से, अब बताना हो कि इसमें से बड़ा कौन है, तो वहाँ पर ओल्डर का यूज़ करेंगे। बट एक ही परिवार के सदस्य के बीच में अगर कंपेरिजन करना हो, अगर बताना हो, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इल्डर का यूज़ करेंगे। कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक घर में बहुत सारे ब्रदर्स हैं, उनमें से कोई बड़ा है, तो उनके लिए इल्डर का यूज़ करेंगे। लेकिन सोसाइटी में क्या होता है कि अलग अलग फैमिली से बच्चे रहते हैं और उनमें से बड़ा बताने के लिए ओल्डर का यूज़ किया जाता है। हम लोगों का नेक्स्ट जो वर्ड है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। तो मैं बता दूं ऑल टुगेदर का मतलब होता है ऑल इन वन प्लेस, यानी सभी को एक जगह हम लोग बोलते हैं ना कलेक्ट करना, ऑल टुगेदर होता है। जबकि ऑल टुगेदर जो होता है आपका ये कंपेरिजन करने के लिए, ठीक है, और टोटल के सेंस में इसका यूज किया जाता है। और अगला जो वर्ड है बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है के छोड़ करके। जैसे हम बोल सकते हैं ही केम एंड सिट बिसाइड मी, तो वहां पर इस बिसाइड का यूज किया जाएगा। लेकिन बिसाइड्स का मतलब हम बोलेंगे कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम बिसाइड्स दिस, यानी इस प्रॉब्लम के अलावा तुम्हारा और क्या प्रॉब्लम है, उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।